जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि मात्र 5 सेकंड के अंदर में अपना YouTube चैनल कैसे बनाते हैं अपने मोबाइल फोन से। तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त श्याम सजना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जब हम नया होते हैं तो हमारे अंदर एक भावना आ जाती है, कुछ भाइयों के अंदर, सबको नहीं बोल सकते हैं, कुछ भाई ये सोचते हैं कि हम अपना YouTube चैनल हम खुद बनाएं या किसी बड़े यूट्यूबर की सहायता से लेकर लैब से बनवाएं या फिर लाइसेंस लेकर बनाएं। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसे मन में सोचते हो तो आप गलत सोचते हो। आप मात्र 5 सेकंड के अंदर में अपने YouTube चैनल को बना सकते हो, और समझ लीजिए कि 90% आपका YouTube चैनल ऑलरेडी आपके मोबाइल में बना रहता है, बस एक क्लिक करना आपको बाकी रहता है। क्योंकि हर यूट्यूबर या हर कोई इंसान जो भी यूट्यूब चलाता है उसको ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है, और ईमेल आईडी अगर जिसके पास है समझ लीजिए कि उसके पास चैनल है। दोस्तों आज की वीडियो में आसान तरीके से लाइव प्रूफ 5 सेकंड के अंदर में यूट्यूब चैनल बना के भी बताऊंगा, और यूट्यूब चैनल बना लेने के बाद कौन कौन सा सेटिंग करना महत्वपूर्ण है वो भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं और लेके चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, तो सबसे पहले हम अपने यूट्यूब को ओपन करेंगे। यूट्यूब के ओपन करने के बाद जैसे ही हम योर चैनल पर क्लिक करेंगे उसके बाद क्रिएट पर क्लिक कर देंगे, दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल बनके तैयार हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मात्र 5 सेकंड के अंदर में हमारा YouTube चैनल बनके तैयार हो चुका है। आप अगर चाहते हो तो टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन डाल के अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हो, बट YouTube की कुछ सेटिंग होती है जिसे करना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जैसे अपने चैनल में प्रोफाइल पिक्चर लगाना, अपने चैनल में बैनर लगाना, अपने चैनल का कैटेगरी सेलेक्ट करना, अपने चैनल का कीवर्ड डालना, दोस्तों इन सारे सेटिंग को हम कर लेते हैं तो हमारा चैनल एक ब्रांड चैनल की तरह दिखाई देता है, जैसा आप देख सकते हैं हमारे इस चैनल को। तो दोस्तों आप भी इस प्रकार का बना सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं, कैसे अपने कीवर्ड को डालते हैं, कैसे अपने बैनर को लगाते हैं, कैसे अपने कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं, इन सारी सेटिंग को आपको बताते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे और आपको विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों चलिए, दोस्तों एक बार फिर से हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो दोस्तों अभी अभी जो चैनल को हम क्रिएट किए हैं उसमें बहुत सारे सेटिंग करना बाकी है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो होता है कोई भी चैनल क्रिएट करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है अपने चैनल पे प्रोफाइल पिक्चर लगाना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी तक हमारे चैनल पे प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगा हुआ है। अगर प्रोफाइल पिक्चर लगा होता तो यहाँ पे एस नहीं दिखाई देता, मेरा नाम श्याम सजना है, तो श्याम सजना 01 से ए है हमारा ईमेल, इसीलिए यहाँ पे एस लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। जब प्रोफाइल पिक्चर हम लगा देंगे तो हमारा फोटो दिखाई देगा। और दोस्तों प्रोफाइल पिक्चर लगाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि इससे आदमी को पहचान मिलता है। कोई भी चैनल हम बनाते हैं तो कोई भी आदमी क्लिक करता है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल वाले आइकन पर क्लिक करता है, बगल में सब्सक्राइब बटन रहता है उस पर क्लिक करता है। अगर किसी को उससे रिलेटेड और वीडियो में इंटरेस्ट है तो हमारे प्रोफाइल पर क्लिक करता है, जैसे प्रोफाइल पर क्लिक करता है वहाँ पर हमारा फोटो दिखाई देता है तो हमको चेहरा से वो पहचानता है। भले ही हमारे वीडियो में क्यों ना हमारा चेहरा हो लेकिन एक अलग ब्रांड की तरह हमारा चैनल दिखाई देता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको प्रोफाइल पिक्चर लगा के खाते हैं आसान भाषा में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो एस लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे, सिंपल से दोस्तों हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे योर चैनल लिखा हुआ है तो हमको योर चैनल पे क्लिक कर देना है, किसी अदर सेटिंग को हमको छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए मैनेज वीडियो लिखा हुआ है, बगल में एनालिटिक का ये ऑप्शन है तो इसको हम अभी छूछा नहीं करेंगे। उसके बगल में देखिए ये पेंसिल वाले आइकन है तो इस पर हमको क्लिक कर देना है। पेंसिल वाले आइकन में जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए कि दो ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है, एक देखिए कि बीच में है ये प्रोफाइल पिक्चर के लिए है कैमरा जैसा, और ये है कि हमारा यूट्यूब चैनल के बैनर के लिए है। तो दोस्तों बैनर तो अंदर होता है, बैनर अभी नहीं लगाएंगे, पहले हम प्रोफाइल पिक्चर को लगाएंगे। तो दोस्तों प्रोफाइल पिक्चर को लगाने के लिए सिंपली ये देखिए कैमरा जैसे ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए दो ऑप्शन खुल के आ जाते हैं,
गैलरी और कैमरा। तो अगर आप तुरंत ही फ़ोटो लेना चाहते हैं तो आप कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ले सकते हैं। तो हमको तुरंत का फ़ोटो नहीं लेना है, पहले से जो हम रखे हैं फ़ोटो उसी को लेना है, तो हम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम उस फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारे फोल्डर में जो भी फ़ोटो हो उस फ़ोटो को हम सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इस फोल्डर में है हमारा फ़ोटो, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों देखिए आप, हमको इसी फ़ोटो को लगाना है, तो सिंपल से इस फ़ोटो पर हम क्लिक करेंगे। फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा हम जूम करेंगे, थोड़ा नीचे करेंगे फिर जूम करेंगे, फिर हल्का नीचे करेंगे जूम करेंगे, क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर थोड़ा बड़ा रहना चाहिए ताकि चेहरा पहचान में आए। थोड़ा और जूम करेंगे दोस्तों, थोड़ा नीचे कर दे। दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली हमारा फ़ोटो सेलेक्ट हो चुका है। तो नीचे देखिए सेव एज प्रोफाइल पिक्चर लिखा हुआ है, तो सिंपली हम इस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे इस पर हम क्लिक किए, थोड़ा देर में यहाँ पे फ़ोटो शो हो जाएगा आपको। आप देख सकते हैं थोड़ा देर में हमारा फ़ोटो यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रोफाइल फ़ोटो शो हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हमको बैनर लगाना है। तो दोस्तों अगर आपको बैनर बनाना नहीं आता है तो बैनर बनाने से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो डाल दिया हूँ, आप वहाँ से जाके मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं, मेरे प्ले लिस्ट में जाके ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। चाहे तो आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए या मेरे वीडियो को स्क्रोल करते जाइएगा, नीचे आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप देखते जाइए। दोस्तों हम पहले से बैनर बना के रखे हैं, आपको नहीं आता है तो आप मेरे चैनल के अंदर जाइएगा प्ले लिस्ट में, वहां से मेरा वीडियो देख लीजिएगा। तो हम बना के रखे हैं, तो सिंपली ये देखिए कैमरा वाले ऑप्शन है, तो इस पर हमको क्लिक करना है। देखिए चूज फ्रॉम योर फ़ोटो, तो यहाँ से हमको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर से हम जाएँगे अपने प्रोफाइल में। तो दोस्तों देखिए इसमें नहीं है हमारा, तो हम यहाँ से चूज करेंगे। जो भी प्रोफाइल में आपका फ़ोटो हो उस प्रोफाइल को आपको चुन लेना है। दोस्तों इसमें है हमारा, तो हम यहाँ से चुन लेते हैं। देखिए दोस्तों हम ये बना के रखे हुए थे, तो सिंपली इस पर हम क्लिक कर देते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे ये साइज अलग है। दोस्तों एक बात मेरा आपको ध्यान में रखना है, अगर साइज अलग होगा तो नहीं होगा। कभी भी आप बनाइएगा तो पिक्सल लैब में जो बैनर का साइज होगा वही साइज को आप सेलेक्ट कीजिएगा, वरना सेट नहीं होगा। अगर आप यूट्यूब थंबनेल बना लोगे और उसको बैनर में सेट करोगे तो वो सेट नहीं होगा, क्योंकि सबका साइज अलग अलग होता है। तो आपको यूट्यूब बैनर पर क्लिक करना है, उसके बाद जाके पिक्सल लैब से आपको बनाना है अपने लिए अच्छा से अच्छा चैनल का बैनर। तो दोस्तों देखिए सिंपली हम फिर से क्लिक करते हैं, चूज फ्रॉम फ़ोटो पे क्लिक किए। दोस्तों देखिए दूसरा हम फ़ोटो लेके आपको दिखाते हैं। दोस्तों एक मेरे दोस्त की बीवी है, उनको नहीं बनाने आता था अपने चैनल के लिए बैनर, तो हम बना दिए थे, उन्हीं का बैनर हम लगा के आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों देखिए थोड़ा छोटा करेंगे, दोस्तों थोड़ा और छोटा करेंगे, थोड़ा ऊपर करेंगे, फिर इसको थोड़ा बड़ा करेंगे दोस्तों, फिर इसको इस प्रकार करेंगे, थोड़ा ऐसे कर देंगे, जूम कर देंगे हल्का। दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी के पूरी तरह सेट हो चुका है। तो दोस्तों जब सेट हो चुका है तो ऊपर देखिए सेव पे क्लिक कर देना है। दोस्तों सेव पे हम क्लिक कर दिए, ठीक है दोस्तों। अभी आप लोग को दिखाने के लिए मैं दोस्त के बीवी का जो मैं बनाया हूँ उनके लिए जो बैनर, वो आप लोग को बता दिया हूँ, लेकिन दोस्तों आपको अपना से बनाना है, ठीक है, और बना के डाल देना है। अगर आपको बैनर बनाने नहीं आता होगा तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बैनर बनाने का तरीका आपको बता दूंगा और उससे रिलेटेड वीडियो भी डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। फ़ोटो बनाने से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो पहले से डाल दिया हूँ, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर फ़ोटो भी लग गया और यहाँ पर बैनर भी लग गया। दोस्तों आपको एक काम और करना है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम श्याम सजना है, तो श्याम सजना मेरा नाम हुआ, तो मैं अगर चाहूँ तो इसको नाम को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। जैसे सेम श्याम सजना 01, तो 01 कोई सर्च नहीं करेगा, तो श्याम सजना वाइंस हम रख देते हैं, श्याम सजना वाइंस रख दिए, ठीक है, और सेव पे क्लिक करके सेव कर देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, सेव पे क्लिक कर दिए। तो श्याम सजना वाइंस हमारा नाम हो गया। जो भी आपका नाम हो वो नाम को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका बन जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इतना कुछ सेटिंग कर देने के बाद आप देखिए हमारा चैनल एक ब्रांड चैनल की तरह दिखाई दे रहा है। तो अब बस हमको वीडियो एक अपलोड करना है और अपलोड करके आप लोग को दिखा देते हैं। दोस्तों देखिए सिंपली वीडियो अपलोड करने के लिए हमको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर तीन चार प्रकार का हमको सेटिंग दिखाई देता है, जैसे क्रिएट ए शॉर्ट का, अपलोड ए वीडियो का, गो लाइव का, गो लाइव टुगेदर का, यानी कि चार यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इनमें से दोस्तों हमको किसी भी ऑप्शन को नहीं टच करना है, सिर्फ
सिर्फ अपलोड ये वीडियो पर क्लिक करना है, क्योंकि क्रिएट ए शॉर्ट पर कीजिएगा तो शॉर्ट वीडियो के लिए होता है, अपलोड ये वीडियो पर हम क्लिक करेंगे तो लॉन्ग वीडियो के लिए होता है, गो लाइव पे अगर हमको लाइव आना है तो गो लाइव पे क्लिक करेंगे, गो लाइव टुगेदर, अगर दो यूट्यूब क्रिएटर अगर एक साथ लाइव आते हैं तो नीचे गो लाइव टुगेदर पर आप आके आ सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर हम और मनोज भाई अगर आते हैं लाइव तो उसके लिए ये ऑप्शन है। तो दोस्तों सिंपली हमको लॉन्ग वीडियो अपलोड करना है तो हम अपलोड ये वीडियो पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अपलोड ये वीडियो पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा वीडियो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझाने के लिए मैं कोई भी एक वीडियो अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सिंपली आप देख सकते हैं हमारा यही वाला वीडियो है, तो इसको ही हम क्लिक करके आप लोग को दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी वीडियो को हम क्लिक कर दिए, नेक्स्ट पर फिर क्लिक कर दिए। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक किए यहाँ पे देखिए कि टाइटल लिखने का आ रहा है, डिस्क्रिप्शन लिखने का आ रहा है, अनलिस्टेड। एक बात मेरा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कभी भी आप वीडियो को अपलोड कीजिएगा तो पब्लिक करके नहीं अपलोड कीजिएगा, आप अनलिस्टेड करके अपलोड कीजिएगा, क्योंकि अनलिस्टेड करके अपलोड करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि आप जब एक बार वीडियो अपलोड कर दोगे तो उसके बाद टाइटल को सर्च कर करके देखिएगा, जिस टाइटल पर कंपटीशन कम हो और सर्च ज़्यादा हो उसी टाइटल को आपको डालना है। टाइटल डाल दीजिएगा, उसी अनुसार आप डिस्क्रिप्शन डालिएगा, उसी टैग लगा लीजिएगा, टैग डिस्क्रिप्शन टाइटल इस सारा काम जब हो जाएगा, जब थंबनेल आप लगा लीजिएगा तब आप वीडियो को पब्लिश कीजिएगा, इससे बेनिफिट है। तो दोस्तों देखिए हम नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को अपलोड कर देते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर लिख रहा है यस इट्स मेड फॉर किड्स, यानी कि यह क्या बच्चों के लिए वीडियो है, तो आप नो पे रखिएगा, क्योंकि अगर यस आप कर दीजिएगा तो ये वीडियो जो आपका है वो बच्चों के लिए हो जाएगा पर्सनली, वो वीडियो बच्चों के लिए हो जाएगा पर्सनली। इसलिए अधिकतर जितने भी हमारे यूट्यूब क्रिएटर हैं वो नो इट्स मेड फॉर किड्स करते हैं। तो सिंपली हम इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद अपलोड ए वीडियो पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे वीडियो यहाँ पर नीचे देखिए लाइब्रेरी में यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको देखने के लिए मैनेज वीडियो का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैनेज वीडियो पर हम क्लिक करेंगे। मैनेज वीडियो पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे 7% 8% ऐसे उग रहा है, तो देखिए थोड़ा देर में हमारा वीडियो अपलोड हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा वीडियो यहाँ पे पूरी तरह अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों हम इस पे थंबनेल को लगाएंगे। दोस्तों थंबनेल लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, बीच से बैक जाना होगा और YT स्टूडियो में जाना होगा। दोस्तों हम पहले से एक थंबनेल बना चुके हैं तो इस पे लगा देते हैं। दोस्तों देखिए हम आ चुके हैं YT स्टूडियो में। ठीक है दोस्तों, YT स्टूडियो देखिए थोड़ा देर में हमारा खुल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा मेन चैनल है, तो दोस्तों उस वाले ईमेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा वीडियो शो नहीं हो रहा है, लेकिन वीडियो दिखाई देगा। देखिए बगल में टेक्स्ट बोर्ड के बगल में कंटेंट लिखा हुआ है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर हम क्लिक किए देखिए आज 15 जनवरी 2023 के डेट पे हमारा यहाँ पे वीडियो शो हो रहा है। तो इस वीडियो पर हमको पहले फ़ोटो लगाना है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन हम बाद में डालेंगे। तो दोस्तों फोटो लगाने के लिए सिंपली हमको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों देखिए यहाँ पर 3-4 ऑप्शन खुल रहा है, तो देखिए जो पेंसिल वाला आइकन है इस पर हम क्लिक करेंगे। पेंसिल वाले आइकन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक बार और क्लिक हमको करना पड़ेगा, तो एक बार और हम क्लिक करेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे नीचे बहुत सारे सेटिंग है जिसको मैं बाद में बताऊंगा, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। जैसे मान लीजिए कि ये वीडियो हमारा टेक्स रिलेटेड है, तो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी देखिए पीपुल एल ब्लॉक है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करके यहाँ पर हम चाहेंगे तो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस प्रकार आप भी कर लीजिएगा। तो ये तीर वाले ऑप्शन से हम थोड़ा बैक आ जाते हैं और दोस्तों फिर से एक बार पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों जो भी आपको मन में डाउट हो यूट्यूब से रिलेटेड, आप कुछ भी कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, आपका भाई रिप्लाई जरूर देगा। तो दोस्तों फोटो लगाने के लिए देखिए कस्टम थंबनेल लिखा हुआ है, तो इस पर हम क्लिक करें। जैसे ही कस्टम थंबनेल वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ ऑप्शन हमारे पास उगता है। तो देखिए इसके कहने का मतलब ये है कि आपका चैनल जो है अभी वेरीफाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको अपने चैनल को वेरीफाई करना होगा, टू वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद आप थंबनेल लगा सकते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों अगर आपको वेरिफिकेशन नहीं करने आता है, YT स्टूडियो से अपने चैनल के वीडियो पर थंबनेल नहीं लगाने आता है, तो ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, तो बगल में वीडियो का सिंबल दिखाई देगा, तो उस पर क्लिक करके वीडियो को वॉच कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Love you, my old friends.